फिर आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। दोस्तों आज हम स्पेशली बातें करने वाले हैं फ्रेशर जॉब के ऊपर, ठीक है, दुबई में फ्रेशर जॉब्स, ठीक है। तो बहुत सारे अभी मैंने जितना देखा है मेरे कमेंट्स में, मेरे ईमेल पे, तो 60% लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ उन बंदों के लिए है जो लोग फ्रेशर है, ठीक है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, और मेरा वीडियो पूरा देखा करिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको वो छोटे छोटे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट आपको मिस नहीं करने, ठीक है। सबके लिए मैंने एक सीवी का फॉर्मेट जो बनाया है वो तो मैंने पहले ही पोस्ट करके रखा है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी फ्रेशर जॉब्स के बारे में, ठीक है। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होके दुबई जॉब करना चाहते हैं। तो पहला, मेरा पहला एक क्वेश्चन है सबके लिए या एक सजेशन है, हम जॉब किसके लिए करते हैं, सबका एंड में हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सैलरी, सही है। तो सैलरी के लिए अगर जॉब कर रहे हो तो मेरा आपको ये सजेशन है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको दुबई में सेल्स जॉब बढ़िया रहेगी, ठीक है। आप कौन से भी फील्ड के हो, आप पहले यहाँ दुबई में एंट्री करने के लिए सेल्स जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी एंट्री के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दुबई में ब्रेक मिल रहा है दोस्तों। अब ये जॉब ढूंढनी कैसी है, सेल्स की जॉब, सेल्स की जॉब मतलब क्या करना है, सेल्स जॉब है। फिर बाद में मैंने पहले, जैसे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि आप यहाँ पे ऑटोकैड ड्राफ्टमैन की भी जॉब कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो, सिविल इंजीनियर से। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हो और आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे आईटी सपोर्ट की जॉब कर सकते हो एज ए फ्रेशर, या आप आईटी सेल्स की जॉब कर सकते हो। मतलब आप जिस भी फील्ड में हो तो आपको उसमें सेल्स जॉब ढूंढनी है। सेल्स जॉब यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज होती है और आपको आसानी से मिल भी जाएगी और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, ठीक है। हम लोग फाइनली क्यों जॉब करते, तो सैलरी के लिए करते हैं। अगर आपको सैलरी ही बहुत अच्छी मिल रही है तो आप सेल्स के साथ जाइए, ठीक है। आफ्टर वन ईयर आपका प्रोफेशन चेंज कीजिए बाद में, क्योंकि पहले तो आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल जाएगी दुबई में एज ए सेल्स के तौर पर, और फिर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप प्रोफेशन चेंज करिए और 2 साल में आपका कोर जॉब आप ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे कोर्स भी कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको स्ट्रांग उसकी नॉलेज आ जाएगी और आप जॉब चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इस सब फील्ड के लिए फ्रेशर जॉब ढूंढना कैसा है सेल्स का, ओके, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर सेल्स हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो, तो आपको यहाँ की कंप्यूटर रिलेटेड जो भी कंपनीज है, डायरेक्टली कंपनीज आपको यहाँ पे दुबई में ढूंढनी है दोस्तों गूगल थ्रू। आपको रिक्रूटमेंट साइट नहीं ढूंढनी है, आपको कोई बीच में इंटरफेस वाली साइट नहीं ढूंढनी है, आपको डायरेक्टली कंपनी ढूंढनी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप सिविल के इंजीनियर हो और आप फ्रेशर हो, आपको सिविल में जॉब देखना है, तो सिविल्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस है। एज ए फ्रेशर आप काम कर सकते हो, रियल एस्टेट एजेंट काम कर सकते हो, ड्राफ्टमैन काम कर सकते हो, साइट सुपरवाइजर का काम होता है वो कर सकते हो, मतलब इतने सारे ऑप्शंस है, आपको सिर्फ आपका दिमाग यूज करना है दोस्तों। अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल में तो बहुत सारे सेल्स पोजिशंस होती है, तो उसके आपको गूगल में क्या करना है, आपको गूगल में आपकी कंपनी ढूंढनी है, ठीक है। अगर आप सिविल हो तो आपको सिविल कंस्ट्रक्शन की जो भी यहाँ पे कंपनी होती है ना दुबई में वो ढूंढनी है। अगर आप कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी कंपनी आपको ढूंढनी है, ठीक है। आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल रिलेटेड आपको कंपनी यहाँ पे ढूंढनी है। अगर ये छोड़ दो अभी इंजीनियरिंग का ये पार्ट हो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आप 12th हो तो आप यहाँ पे एज ए फ्रेशर सेल्स पर्सन काम कर सकते हो। सैलरी उसको कम से कम आपको 30,000-35,000 इंडियन रुपीज मिल जाएगी कम से कम। मतलब यहाँ पे फ्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है दोस्तों, ठीक है।
तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे डायरेक्टली आप कमेंट कर किया कीजिए, नहीं तो मेरा ईमेल आपके पास है, ईमेल कीजिए। और बहुत आसान होता है दोस्तों, मतलब जॉब पाना यहाँ पे। मुझे बहुत सारे बंदे पूछते हैं, सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और मैं जॉब कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हो, मगर आपको कोर जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है ना यार, क्यों कोर जॉब करनी है? छोड़ दो, आप दुबई में काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं, कमा लो 5-7-6 साल, जाओ वापिस, खुद की कंपनी डाल लो ना अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में। हम सब लोग यहाँ पे काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। अगर आप कोर जॉब, आप वहां पे करके भी आपको सैलरी नहीं मिलती। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, कितनी सैलरी होती है आपकी इंडिया में? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशन चेंज कर दो, साइट इंजीनियर हो जाओ या कुछ भी अलग सा, सेल्स में अगर गए आप, या आप ड्राफ्टमैन, मैंने बोल आपको लग रहा होगा मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, मैं एडवोकेट ड्राफ्टमैन कैसे कर सकता हूँ? यार ईगो को थोड़ा सा बाजू में रखो, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग रखो। आपको फर्स्ट तो यहाँ पे एंट्री मिल रही है, आपको यहाँ का मार्केट पता चल जाएगा। दूसरी, आपको सैलरी कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो इंडिया में कमाते हैं उससे दुगनी तिगनी सैलरी यहाँ पे मिलेगी, एज आप एटोकैड ड्राफ्टिंग करते हो तो। ठीक है, आपको फील्ड का नॉलेज आ जाएगा, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आके फिर उसमें नहीं बैठना है, ठीक है? आपको आगे जाना है। अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड हो तो आपको उसमें फील्ड में अगर एंट्री मिल जाती है ना, एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी बात में एंट्री इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एक बार एंट्री मिल जाए ना, आगे जाने का मौका आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। आप कौन सी भी फ्रेशर हो, ये वीडियो सिर्फ फ्रेशर के लिए बना रहा हूं मैं। अगर बहुत सारे बंदे होते हैं, 10th हुआ है उनका या 12th हुआ है, तो उनको जॉब चाहिए, इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस नहीं, वो बंदा कुछ भी सेल कर सकते हैं ना, एज ए सेल्समैन काम करो यहाँ पे। सेल्समैन मतलब यहाँ पे सैकड़ों मॉल्स है, सैकड़ों मॉल्स में लाखों दुकानें होती है, शॉप्स होती है, हर शॉप में बंदा चाहिए होता है उनको, उनकी आइटम बेचने के लिए। तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है? आप परफ्यूम बेच सकते हो, परफ्यूम अगर यहाँ पे बेचा तो भी आपको 36,000 सैलरी मिलती है दोस्तों। क्या हो गया ये? देखो मतलब पैसे के लिए दुबई बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ आपका दिमाग लगाना है। ओके, आपका सीवी मुझे भेज दो, मैं भी ट्राई करूंगा आपके लिए, खुद भी ट्राई करो। और बहुत सारे जॉब होते हैं सर, अभी मैं फ्रेशर के लिए, अगर अनएजुकेटेड पीपल है, जो पीपल 10th किया उन्होंने, जिन्होंने सिर्फ 12th किया है, तो वो बंदे यहाँ पे, अगर आपका एजुकेशन भी कम है, कम, आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? लैंग्वेज का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना आना चाहिए कि अगले वाले को आपकी भाषा समझ में आए और वो क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आए, ठीक है? तो एज अ स्टार्टिंग आप यहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको वहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आप मॉल में काम कर सकते हो, ठीक है? जो सेक्शन होते हैं टीवी के सेक्शन, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अगर आपको सेल्स में, इंडिया में सेल्स पर्सन एज अ कंप्यूटर का नॉलेज हो, तो यहाँ पे कंप्यूटर शॉप्स होती है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। लाखों यहाँ पे परफ्यूम शॉप है, परफ्यूम बेचने का आप काम यहाँ पे कर सकते हो। कुछ नहीं है, सिर्फ परफ्यूम बेचना होता है, ठीक है? फिर बाद में आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। पिज्जा है यहाँ पे, मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, और बास्किन रॉबिन्स है। अगर आपको वहाँ पे पिज्जा डिलीवरी का काम किया है आपने, तो यहाँ पे आपको तो झट से काम मिल जाएगा KFC में। यहाँ पे काम की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप ऐसे अड़कर मत रहिए कि मुझे मेरे फील्ड का ही जॉब चाहिए। आप एंट्री लाइए, आप एंट्री मारिए, फिर चेंज कीजिए ना। इम्पोर्टेंट क्या है? दुबई में ब्रेक, दुबई में आना, ठीक है? एक बार यहाँ पे आप जब आते हो तो यहाँ का पूरा माहौल आपको पता चल जाता है, ठीक है? तो सिक्स मंथ आफ्टर 1 ईयर रिटर्न दे दो, नोटिस पीरियड कंप्लीट कर लो, कुछ भी जो भी आपके कंपनी का है, और अपने अपने फील्ड में जाइए वापस। नहीं तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद अपना अपना जॉब ढूंढिए, जिसके हाथ पैर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, सर मेरे लिए काम देखो काम देखो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, मतलब बहुत आसान सी बातें होती है, ठीक है? आपके कुछ भी क्वेश्चंस अगर फ्रेशर जॉब के लिए है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए,
ठीक है, मैं सबके आंसर देने का ट्राई करूंगा। अगर आपके किसी का मैंने अगर अभी तक आंसर नहीं दिया तो बार बार मुझे कमेंट्स कीजिए, इससे क्या हो जाए, कभी कभी कमेंट्स आपके नीचे चले जाते हैं दोस्तों, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरे लिए, तो आप बार बार कमेंट्स कीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे फ्रेशर काम करना चाहता है तो मुझे CV भेज दीजिए, मैं खुद भी उनके लिए ट्राई करूंगा। बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे, रहना खाना फ्री होता है सेल्स में अगर बोला जाए तो। अगर आप परफ्यूम बेचने की मैंने जो बात की थी तो उन बंदों को रहना भी खाना भी फ्री होता है और सैलरी पूरी बच जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आपकी यहाँ पे पैसा जाएगा, ज़्यादा नहीं पैसा जाता है तो पूरी सेविंग आपकी हो जाती है। मुझे बताइए अगर यहाँ पे एवरेज सैलरी अगर परफ्यूम बेचने की मैं बताऊँ तो 2000 दिरहम है। ठीक है, 2000 दिरहम मतलब मेरे एक पहचान की लड़की थी फिलिपिनो, उसकी सैलरी 2000 दिरहम थी। ठीक है, उसको क्या करना होता है, 8 घंटे आपको सिर्फ परफ्यूम बेचना होता है। परफ्यूम बेचना मतलब आपको घर में नहीं जाना है, आपको सिर्फ उस दुकान पे काउंटर पे खड़े रहना होता है और जो भी कस्टमर आए उसको परफ्यूम दिखाना होता है और उसको बेचना होता है।